हाशिम गाड़ी रोको, ये तुम मुझे कहाँ घुमा रहे, ये डिफेंस के रास्ते तो नहीं है। यार वो मैं अपने एक दोस्त का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, वो भूल गया हूँ। तो पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, उसके बाद अपने दोस्त से मिल लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात हम लोग किसी होटल में गुजार लें? क्यों, तुम्हारा डिफेंस में कोई घर नहीं है क्या? नहीं ये बात नहीं है, तुम तो ऐसे ही पीछे पड़ गई, मैं वैसे ही कह रहा था। तो क्या डिफेंस में तुम्हारा कोई घर नहीं आशिम? उल्लू बना रहे थे तुम मुझे। हाँ मेरा डिफेंस में कोई घर नहीं है, मेरे पास घर था लेकिन तुमसे शादी करने की वजह से मुझे वो घर बेचना पड़ा। तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदी, तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिसेप्शन दिया, सारे पैसे खर्च हो गए, अब मेरे पास इस गाड़ी के सिवा कुछ भी नहीं। माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने हाशिम? झूठ बोलते रहे तुम आज तक मुझसे, उल्लू बना रहे थे मुझे तुम्हारे बलबूते पर, मैं अपने घर से निकल आई हूँ हाशिम, दरबदर कर दिया तुमने मुझे। मना तो कर रहा था, कह तो रहा था कि तुम वहीं रुक जाओ, मगर तुमने तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे क्या खबर थी कि तुम्हारे झूठ मुझे इस तरह से दरबदर कर देंगे। अच्छा रिलैक्स, अब मुझे ये बताओ कि वापस चलें? नो नॉट एट ऑल, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना। कभी कभी तो मुझे उस रिहाब की किस्मत से जलन होने लगती है, मैं छोटे से घर से उठकर आई और इतना अच्छा नसीब लिखवा कर आई, और मैं चौहान लेदर्स के मालिक की बेटी। बस इतने गुरूर और तकबर की बातें मत करो, इतनी फिक्र है ना अपनी जिंदगी की, तो कहो ना अपने बाप को सारी फैसिलिटीज दे दे तुम्हें।